एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो बनाऊंगी कि यार अडवाणी इंस्पायर्ड मंगलसूत्र। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखने में जोर देखे तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। मैंने अपने अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। और अगर आपको अदर वीडियो देखने में जोर देखे जैसे लोअर की लोअरिंग, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो डाल दिया है, तो क्लिक कर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मंगलसूत्र बनाना। तो यहाँ पर मैंने कुंदन लिया है और पर्ल लिया है ब्लैक कलर का स्मॉल, आई पिन ली है गोल्डन कलर की, मंगलसूत्र चेन ली है जिसको मैंने छोटे साइज में कट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने सिंपल चेन ली है जिसको मैंने अलग अलग साइज में कट किया हुआ है, छोटे बड़े और उससे बड़े, एंड हुक लिया है, स्टोन चेन ली है और रिंग ली है गोल्डन कलर की। सबसे पहले आई पिन के अंदर ब्लैक पर्ल को डाल दूंगी और फिर कट कर दूंगी। कट करने के बाद मैं इसको घुमा दूंगी और फिर घुमाने के बाद इसमें मैं पहले चेन को डाल दूंगी, उसके बाद इसको पूरा बंद कर देंगे। इससे जो पर्ल है वो चेन से कनेक्ट हो जाएगा और ऐसे ही मैं बाकी की चेन को पर्ल के साथ कनेक्ट कर दूंगी। पहले मैं मंगलसूत्र में अटैच करूंगी पर्ल को, मतलब पहले मैं पूरी चेन बनाऊँगी उसके बाद ही पेंडेंट बनाऊँगी। देखिए जो चेन है वो पूरी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने कॉपर वायर लिया है, कॉपर वायर को कट कर दूंगी और उसको चेन के अंदर डाल दूंगी, फिर उसमें डाल दूंगी मंगलसूत्र चेन को, फिर उसको ऐसे मोड़ दूंगी जिससे दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं दूसरी चेन को भी कर दूंगी और फिर जो मंगलसूत्र चेन है उसमें कॉपर वायर को लगा दूंगी और फिर कॉपर वायर को पूरा राउंड कर कर ये जो हमने गोल्डन कलर की रिंग ली है इस पर वार्प कर दूंगी। जिससे जो मंगलसूत्र चेन है वो पूरी इसमें अटैच रहेगी और ऐसे ही मैं दूसरी चेन को भी इसमें अटैच कर दूंगी। पहले इसमें कॉपर वायर को डाल दूंगी, फिर वायर को पूरा फोल्ड कर दूंगी, मतलब मोड़ दूंगी और फिर उसको रिंग में डाल दूंगी और फिर रिंग के ऊपर उसको फोल्ड कर दूंगी। देखिए हमने इसमें चेन को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने जो कुंदन लिया है इसको फैब्रिक ग्लू से लगा दूंगी, तो रिंग के अंदर पहले लगा दूंगी पूरा फैब्रिक ग्लू, उसके बाद इसमें कुंदन को लगा दूंगी, और कुंदन रिंग से छोटा ही होना चाहिए ताकि वो पूरा उसके अंदर लग जाए, और इसके आसपास लगा दूंगी फैब्रिक ग्लू को और इसमें लगा दूंगी स्टोन चेन को। आप इसमें कलरफुल स्टोन चेन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें बॉल चेन को भी लगा सकते हैं। एंड देखिए जो मंगलसूत्र है वो रेडी हो गया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने अपना अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।